जब से सलार का टीजर आया है दोस्तों, तब से मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें वो लोग आदि पुरुष को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देख बेटा आदि पुरुष ऐसे बनती है मूवी। हालांकि अभी टीजर ही आया है, लेकिन टीजर को ही देख के वो लोग गेस कर रहे हैं कि यार अगर टीजर ऐसा था तो फिर फिल्म कैसी होगी। तो यार देखो, ट्रोल करना भी सही है, क्योंकि आदि पुरुष ने कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए तो उन लोगों को सालों सालों तक ट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे इतने पुराने इतिहास को इन्होंने जिस तरह से दिखाया ना, इसके लिए तो इन्हें सालों साल तक ट्रोल करो, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभास की जो तीन मूवीज फ्लॉप हुई है, उनमें से भी एक मूवी ऐसी थी जिसका कैरेक्टर कुछ कुछ सलार जैसा ही था, यानी कि उसमें भी वो एक्शंस थे। माना कि आदि पुरुष का कैरेक्टर वैसा नहीं था, आदि पुरुष का फ्लॉप होने की वजह उसकी अपनी गलतियां हैं। लेकिन अगर आप सलार के तौर पर सोचे ना, तो फिर सलार के जैसे ही एक और मूवी भी फ्लॉप हो चुकी है प्रभास की। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साहो मूवी की, जो कि बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर के बाद प्रभास की पहली मूवी थी। साहो में जो प्रभास का कैरेक्टर था दोस्तों, वो भी सलार से ही मिलता जुलता था, यानी कि उसमें प्रभास का जो कैरेक्टर था ना, वो लार्जर देन लाइफ था। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सलार सुपर हिट होने वाली है, जो कि हो भी जाएगी, लेकिन एक डर तो है ना यार, कि जिस तरह से साहो फ्लॉप हुई, हो सकता है सलार भी हो जाए। अगर आप बात करें आदि पुरुष की, तो यार आदि पुरुष का जो कैरेक्टर था ना, आदि पुरुष की जो मूवी थी ना, उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर सलार दोहराती है तो वो फ्लॉप भी हो सकती है। सबसे पहली पॉइंट आती है दोस्तों डायरेक्टर के ऊपर। अब आप लोग कुछ भी कहो कि प्रभास की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, स्क्रिप्ट गलत लिखी गई थी, यहाँ तक कि कैरेक्टर सही नहीं थे, लेकिन यार मेरी तरफ से ना, फिल्म को बनाना या बिगाड़ना सारा का सारा खेल डायरेक्टर का होता है। ओम राउत ने जिस तरह की मूवी बनाई है, वो विजन उसने अपने मन में पहले ही बना लिया था, जिसके चलते जब वो मूवी हमने देखी तो हमें वो विजन पसंद नहीं आया। बस यही कारण था कि आदि पुरुष फ्लॉप हुई। तो ठीक उसी तरह अगर विजन प्रशांत नील का भी खराब हुआ और सलार मूवी कोई एवरेज मूवी निकलती है, तो वो भी फ्लॉप हो सकते हैं कि डायरेक्टर प्रशांत नील है। हालांकि उनसे इस तरह की गलती की एक्सपेक्टेशंस रखना बेवकूफी भरी बात है, क्योंकि उनके डायरेक्शन को हमने KGF 1 एंड 2 में देखा है। अब इसके बाद भी अगर हम लोग ऐसा सोचते हो तो हम लोग बेवकूफ है। तो दोस्तों डायरेक्टर का तो कोई मसला है नहीं। अब पॉइंट नंबर 2 आती है दोस्तों स्क्रिप्ट के ऊपर। यानी कि आदि पुरुष के डूबने का अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा रीजन है, तो वो है उसकी स्क्रिप्ट। यानी कि स्क्रिप्ट को उल्टा सीधा दिखाया गया था। बहुत सारे पॉइंट थे, वो आपने जान रखे हैं, मैं नहीं बताऊंगा फिर से इस वीडियो में, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। तो वो सारे पॉइंट्स के चलते आदि पुरुष मूवी फ्लॉप हुई थी। लेकिन जिस तरह से लोग अजम्पशंस लगा रहे हैं दिमाग में, बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं कि इसका KGF यूनिवर्स से कनेक्शन है, सलार जो है वो बच्चा है जिसे रॉकी भाई ने छुपा रखा है, और भी बहुत सारी के थ्योरीज जो बना रखे हैं ना लोगों ने, अगर सलार मूवी उस पर खड़ी नहीं उतरती है तो लोगों को पसंद आएगी नहीं। ऐसे में जब लोगों को गुस्सा बाहर आएगा तो इस मूवी को जमकर ट्रोल किया जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि सलार मूवी पैसे तो कमा ले, लेकिन वो इज्जत वो रुतवा नहीं कमा पाएगी। अब तीसरी जो पॉइंट आती है दोस्तों, वो ये है कि साहो में जिस तरह से प्रभास ने अपनी रियल वॉइस हिंदी में दी थी, प्रशांत नील को वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि यार प्रभास की वो हिंदी वॉइस अच्छी नहीं लगती, जिसके चलते हिंदी में जितना उनको कमाना चाहिए फिल्म में, उतनी वो नहीं कमा पाती है। वहीं आप देख लो कि बाहुबली ने इतनी कमाई क्यों की, क्योंकि प्रभास की जो वॉइस थी ना, वो कमाल की लग रही थी। यानी कि उनके कैरेक्टर के साथ उनका जो वॉइस था ना, वो जस्टिस कर रहा था। ठीक उसी तरह साहो ने हिंदी में उतनी कमाई नहीं की जितनी वो कर सकती थी, जिसके चलते उसका एक फ्लॉप होने का बड़ा रीजन ये भी था कि प्रभास की रियल वॉइस हिंदी में यूज की गई थी। तो इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना है कि यार हिंदी ऑडियंस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा टारगेट करना है, तो उसके लिए आपको डबिंग करवानी पड़ेगी। यानी कि प्रभास की रियल वॉइस मत रखना यार, दिल टूट जाएगा। अब चौथी और आखिरी पॉइंट आती है दोस्तों, कि जिस तरह हमने प्रभास को आदि पुरुष में देखा था, कि आदि पुरुष में प्रभास कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे, यानी कि उनके एक्सप्रेशन में चेंज नहीं थे, बस एक ही एक्सप्रेशन था, वो है गुस्सा वाला। ना उनके इमोशंस दिख रहे थे, ना उनके डायलॉग डिलीवरी में दम दिख रहा था, कुछ भी नहीं था। हालांकि ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये सलार के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों सलार का जो कैरेक्टर है ना, वो प्रभास के लिए, मतलब मानो प्रभास के लिए ही बना है। आप रेबल देख लो, आप साहो देख लो, मतलब वो कैरेक्टर जो है ना, अगर आप वॉइस को छोड़ देना तो पूरा का पूरा कैरेक्टर मानो प्रभास के ऊपर एकदम फिट बैठता है। और ऐसे कैरेक्टर्स में प्रभास अपने इमोशंस भी जाहिर करते हैं, यहाँ तक कि एक्सप्रेशंस भी उनके कमाल के रहते हैं।
तो इस बात की प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि उनके एक्सप्रेशन इस मूवी में खराब हो। तो दोस्तों इस बात की चिंता करना छोड़ दो, और जहां मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर सलार मूवी इन चार पॉइंट का ध्यान नहीं रखती है तो हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए, तो सलार के फ्लॉप होने के भी उतने ही चांसेस है जितने अगले साल आरसीबी के कप जीतने के हैं, यानी कि 0.01%, या फिर आप कह सकते हो कि ये फ्लॉप होने ही नहीं वाली। खैर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी मेरे इन चार पॉइंट से सहमत हैं तो कमेंट में जय सियाराम लिखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।